हंगामा इस बात का हुआ कि जब से दिल्ली के अंदर नए एलजी साहब आए हैं, पिछले करीब 1.5 साल से दिल्ली के अंदर गरीब लोगों के मकानों को उजाड़ने का सिलसिला लगातार चल रहा है। डीडीए हो, केंद्र सरकार की एजेंसी है, एलएनडीओ हो, केंद्र सरकार की एजेंसी है, रेलवेज हो, केंद्र सरकार की एजेंसी है, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, सभी जगहों पे लाखों गरीब लोगों को उजाड़ने का काम इन केंद्र सरकार की एजेंसियों ने किया और डीडीए की और एलएनडीओ की इसके अंदर बड़ी भूमिका रही, जो सीधा एलजी साहब विनय सक्सेना जी के अंडर आते हैं। अभी तक लाखों लोग बेघर हुए, जितना शोर मचना चाहिए था उन गरीब लोगों के लिए उतना नहीं मचा। और कल पिछले 13 साल से दिल्ली में रह रहे पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी सैकड़ों परिवार मजनू के टीले के साथ, जो गुरुद्वारा है उसके पड़ोस में, अपने छोटे छोटे झुग्गियों को बना के वहां रह रहे हैं। उनको केंद्र सरकार की डीडीए ने, जो डायरेक्ट एलजी साहब के अंडर आती है, सबको नोटिस दिए गए हैं और कहा गया है कि आप अपना सारा सामान पैक कर लो और 7 और 8 तारीख आज और आने वाला कल बिल्डोजर से इनकी झुग्गियों को तहस नहस कर दिया जाएगा। ये बात हमें मालूम है कि अक्सर डीडीए कहती है कि अब डिमोलिशन टल गया है और अचानक सुबह 5 बजे डीडीए के बुलडोजर पहुंच जाते हैं और डिमोलिशन 2-3 घंटे के अंदर खत्म करके हजारों लोगों को उजाड़ देते हैं। मैं दिल्ली के एलजी साहब से पूछना चाहूंगा, आपकी इन गरीब लोगों से क्या दुश्मनी है? आप क्यों दिल्ली के गरीब आदमी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं? चाहे सुंदर नर्सरी के पीछे डूसिब का नोटिफाइड लिस्टेड क्लस्टर था, कोर्ट के अंदर गलत जानकारी देके हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया, मेहरौली के अंदर लिस्टेड क्लस्टर था घोसिया कॉलोनी, कोर्ट के अंदर गलत जानकारी दी जा रही थी, उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों को बेघर कर दिया गया, बाद में कोर्ट ने उसके अंदर स्टे दिया। आरकेपुरम के अंदर सेक्टर 12 के अंदर नोटिस आए हुए हैं और बताया गया कि आज वहां पे भी डिमोलिशन है। मैं एलजी साहब से जानना चाहूंगा, क्या ये बातें आपके संज्ञान में नहीं है? मैं जानता हूं ये कहेंगे मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो आप डीडीए के चीफ इंजीनियर को आज सस्पेंड कर दीजिए, बता दीजिए दिल्ली वालों को कि जो हो रहा है वो आपके संज्ञान में नहीं था, गलत हो रहा था, इसलिए अफसर पे आपने कार्रवाई की, आपका डिपार्टमेंट है, एलजी साहब चेयरमैन है डीडीए के, दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं। एलजी साहब, मैं बता रहा हूं आपको, एलजी साहब कहेंगे नहीं आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। अगर नहीं मालूम था तो एलजी साहब चीफ इंजीनियर को सस्पेंड करें, अभी करें। दूसरी बात, हो सकता है एलजी साहब क्या कहेंगे, वो कहेंगे मेरा नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर है, एनजीटी का ऑर्डर है। एनजीटी का ऑर्डर आज का नहीं है, पहली बात। और एनजीटी के अंदर जब मुकदमा चला तो डीडीए ने क्या पक्ष लिया? क्या डीडीए ने इन हिंदू शरणार्थियों का पक्ष लिया? नहीं लिया। लिया हो तो दिखाएं। और अगर एनजीटी ने ऑर्डर कर दिया तो क्या डीडीए सुप्रीम कोर्ट गया? क्यों नहीं गया? एलजी साहब बताएं, साफ है ये बेचारे वो लोग हैं जो किसी तरीके से पाकिस्तान से अपनी जान बचा के यहां पे आए हैं। वहां पे अच्छे वाले घर बार थे इनके, अच्छे बढ़िया नौकरियां थी, व्यवसाय थे,
मगर इसलिए कि अपने देश वापस आना चाहते थे। 2011 में ये लोग आए और इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर शरण ली। 2011 कांग्रेस का यूपीए का टाइम था, तब से शरण में है। मगर आज भारतीय जनता पार्टी शासित डीडीए के पेट में दर्द है, क्यों निकालना चाहते हो आप इनको? कहां जाएंगे? मैंने आज वीडियो देखी उनकी, वो लोग कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। कोई कह रहा है कि हमारे स्कूल के अंदर जाने वाले बच्चों के बोर्ड में एग्जाम है। कोई कह रहा है मेरी बेटी लॉ कर रही है। आप उनको बेघर कर देंगे, उजाड़ देंगे, कहां जाएंगे वो? क्या दिल्ली के एलजी साहब, जो रोज दिल्ली सरकार के कामों के अंदर जांच करने जाते हैं, अपने विभाग को भी पता करेंगे कि वहां क्या हो रहा है? अपने डीडीए की खबर नहीं है, दूसरे के विभागों के अंदर जांच पड़ताल कर रहे हैं। एलजी साहब इसका जवाब दें कि क्यों दिल्ली से इन हमारे भाइयों बहनों को उजाड़ने की साजिश एलजी साहब के विभाग डीडीए ने की। इसका जवाब दिल्ली वाले जानना चाहते हैं, इसका जवाब पूरा देश एलजी साहब से जानना चाहता है। ये नोटिस है जो कल और परसों वहां पे बांटे गए हैं। कई जगह छोटे छोटे चैनलों ने उसकी वीडियोस यूट्यूब पे डाली है कि उन सब लोगों ने, बेचारों ने अपने, सब ने अपने घर जो है पैक कर लिए हैं, और उनको डर है कि आज और कल बुलडोजर का बड़ा एक्शन उन पे होने वाला है। सीए लाने की तैयारी है केंद्र सरकार कर रही है, आप कह रहे हैं कि सताए हुए लोग हैं पाकिस्तान से आए थे, तो फिर ये तो इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो एलजी साहब बताएंगे कि क्यों हो रहा है, क्यों कर रहा है केंद्र सरकार इस तरीके का, क्यों उनको जो है उजाड़ना चाह रहे हैं। सौरभ जी, आपको क्या लगता है, इनको अगर नागरिकता मिल जाती तो शायद ये स्थिति नहीं होती? अभी उनके पास नागरिकता नहीं, ये एक बड़ी समस्या है, पहली तो ये बात इसका समाधान है क्या? नहीं, आज की तारीख में भी कानून में ये प्रावधान है कि आप इन्हें नागरिकता दे सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जब तक नागरिकता नहीं मिलती तब तक भी जितने भी अच्छे देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूरोप हो, वहां पे शरणार्थियों को इज्जत दी जाती है, बेसिक एमिनिटीज दी जाती हैं, और उनका घर चल सके उसके लिए सरकार से मदद की जा सकती है। कोई पाबंदी नहीं है इस वक्त। ये भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ बनाती है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बेवकूफ बनाती है। कोई पाबंदी नहीं है इन लोगों को सहूलियत देने में। आज डीडीए एक पत्र लिख दे, मैं आपको डूसिप की तरफ से, मैं आपको डूसिप के वाइस चेयरमैन होने की तरफ से कह रहा हूं, डीडीए जो लैंड ओनिंग एजेंसी है, एक पत्र मुझे लिख दे, हम उनको सभी सहूलियतें वहां पे देंगे, हम तैयार हैं देने के लिए। डीडीएस के अंदर टांग ना अड़ाए, बेचारे गरीब लोगों को बेघर ना करे। सर, इतने बड़े स्तर के ऊपर रैन बसेरों पे जाने का इनके पास विकल्प रखा गया, आपको लगता है कि एकोमोडेट करने की स्थिति है इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोगों को? मैं अपने पत्रकार भाइयों से जानना चाहूंगा, क्या आपने कभी रैन बसेरा देखा है? क्या रैन बसेरे के अंदर एक परिवार अपनी बीवी अपने जवान बच्चों को लेके रह सकता है? क्या यह संभव है? ये पिछले 1.5 साल के अंदर ये मखौल बनाया जा रहा है कानून का कि हर कोर्ट के अंदर जाके कह दिया जाता है, साहब हम इनको उजाड़ देंगे, डूसिप के रैन बसेरे में रह लेंगे। अरे भाई, डूसिप के रैन बसेरे में परिवार कैसे रह सकता है? डूसिप के रैन बसेरे में आप रात बिता सकते हैं सिर्फ, और वो भी बेसिकली जनरली जो सिंगल लोग हैं वो उन रैन बसेरों के अंदर रह सकते हैं। आप ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि कोई परिवार अपने बच्चों के साथ रैन बसेरे के अंदर रहेगा? कहां खाना बनाएगा, कहां नहाएगा, कहां शौच करेगा, कहां पढ़ेंगे उनके बच्चे, ये सोचा ही नहीं जा रहा। मजाक उड़ाया गया इस डीडीए के नोटिस के अंदर गरीबों का क्या मजाक उड़ाया गया? कहा गया द्वारका के रैन बसेरे के अंदर जाके चले जाओ, कमाल हो गया। एलजी साहब को यह भी नहीं मालूम कि मजनू के टीले से द्वारका कितना दूर है, और रैन बसेरे के अंदर क्या लोग अपने परिवार के साथ रह सकते हैं? एक और सवाल है, ईडी कोर्ट गए थे दोबारा, फिर से 16 तारीख को पेश होने के लिए कहा है कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को, दोबारा ईडी कोर्ट गई है शिकायत की है कि समन पर हाजिर नहीं। देखिए, ईडी तो कई बार कोर्ट जा चुकी है,
मगर समस्या ये है ना, ईडी को कोर्ट पे भरोसा है ना ईडी को कोर्ट की तारीखों पे भरोसा है। कोर्ट ने जब 16 तारीख अरविंद केजरीवाल जी को दे रखी है, उसके बावजूद वो सम्मन भेजे जा रहे हैं, फिर उन सम्मनों को लेके वो बार बार कोर्ट जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए ईडी कर रहा है। कल ईडी की कार्रवाई टीएमसी लीडर के ऊपर हुई, रात में सीएम ने ट्वीट किया कि अगर वो बीजेपी शामिल हो जाए तो उनको ईडी की नोटिस आने बंद हो जाएंगे, और उन्होंने कहा कि समय बड़ा बलवान है, प्रधानमंत्री थोड़ा ऊपर वाले से डरिए। देखिए, आज मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे घूम रहा था और कई बिजनेस मैन मेरे साथ घूम रहे थे, और चलते चलते उन्होंने एक बात कही, हालांकि हमारे समर्थक नहीं थे, थे भारतीय जनता पार्टी समर्थक, मगर चलते चलते बोले, यार बाकी कुछ ठीक है, बट तुम्हारी पार्टी की एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारा नेता इनके आगे झुका नहीं। तो आज देश के अंदर ये बात हर आदमी समझ रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो, कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकने से इनकार कर रहे हैं। आज अगर अरविंद केजरीवाल झुक जाएं तो मनीष सिसोदिया जी भी बाहर आ जाएंगे, सत्येंद्र जैन साहब को भी बेल मिल जाएगी, संजय सिंह जी भी बेल पे आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ईडी भी अपनी कार्रवाई जो है ठंडे बस्ते के अंदर डाल देगी। और इसके एक दो नहीं, दर्जनों उदाहरण हैं। हाल ही में टीएमसी का उदाहरण सबको मालूम है, जनवरी के महीने में ईडी ने छापा मारा था, बताया जा रहा था कि वो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भर्ती घोटाले के अंदर नाम आ रहा था, कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो देश की हकीकत है, ये तो अब सबको पता है, किसको नहीं पता है। सीएम ने आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई है, इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग, बिजली को लेकर कहा जा रहा है, पावर सब्सिडी को लेकर कुछ फैसला होगा, क्या कुछ उस मीटिंग में हो सकता है? देखिए, मैं अभी ऑफिस नहीं पहुंचा, मेरे को जानकारी नहीं है, तो जैसी जानकारी मिलेगी मैं बताऊंगा। सौरभ जी, एलजी काफी एक्टिव दिख रहे हैं इन दिनों, और ट्विटर के ऊपर चाहे खत के जरिए वो कटघरे में लगातार खड़ा कर रहे हैं, दिल्ली क्लीनलीनेस जो है उनकी समस्याओं को, नरकीय जीवन का है। देखिए, बड़ी मजेदार बात है, एलजी साहब ने तीन विभागों की कमियां बताई, किराड़ी गए, बुराड़ी गए, संगम विहार गए। तीन विभाग जिनकी कमियां उन्होंने खुद बताई, वो विभाग कौन से हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली जल बोर्ड, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल। इन तीनों विभागों के अधिकारी जो उच्च अधिकारी हैं वो एलजी साहब के चहेते अफसरों में से हैं। एलजी साहब क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे, क्यों नहीं सस्पेंड किया एलजी साहब ने? मुख्यमंत्री जी ने तो खुद निवेदन कर दिया उनको कि भाई अगर ये अफसर काम नहीं कर रहे, दिल्ली वाले दुखी हैं, आप देखकर भी दुखी हैं, सीएम कह रहे हैं मैं भी दुखी हूं, इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, तो एलजी साहब सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे उनको? ये सवाल आज पूरी दिल्ली पूछ रही है, इंतजार कर रहे हैं लोग कि एलजी साहब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो लोग जब दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं तो एलजी साहब को मौका मिल रहा है बाहर जाके ट्वीट करने का, तो एलजी साहब का इसमें फायदा है, दिल्ली की जनता को परेशान करने में एलजी साहब को मौका मिल रहा है, और एलजी साहब चाह रहे हैं कि ऐसा चलता रहे, स्टेटस को रहे इस तरह से, वरना एलजी साहब अभी तक कार्रवाई कर देते। और ये मामला सिर्फ यही नहीं है, कई बार एलजी साहब को चिट्ठी लिख के कहा गया है कि हेल्थ सेक्रेटरी ठीक काम नहीं कर रहे, कार्रवाई कीजिए, एलजी साहब नहीं कर रहे कार्रवाई। तो ये तो अब दिल्ली की जनता को सबको साफ होता जा रहा है कि एलजी साहब दिल्ली में क्या करना चाह रहे हैं।